प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुरादाबाद के स्टेशन रोड स्थित अग्निशमन विभाग के कार्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित कराई गई, जहां पर सभी जवानों ने पहुंचकर इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार व अन्य अधिकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर फूल अर्पित करने के साथ श्रद्धांजलि दी और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा सभी धर्मों को साथ लेने के लिए संदेश दिया और कहा कि देश तभी मजबूत हो सकता है जब हम सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें और इस देश को मजबूत करने का काम करें। पत्रकारों को जानकारी देते हुए अग्निशमन विभाग के अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार का ये कहना था कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। मैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को हमारे राष्ट्रीय नेता महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस है आज एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि इस तरह के हमारे जो राष्ट्रीय नेता रहे, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी कराने के लिए ही अपने आप को समर्पित नहीं किया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी के साथ आज जो उच्च अधिकारियों द्वारा हमको निर्देश दिए गए थे, हमारे द्वारा सभी कर्मचारियों को खानिन कर आज के जो राष्ट्र एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस मनाया गया, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और जो उन्होंने कार्य किए हैं देश को जोड़ने के लिए, मेरा आज का जो सच्ची श्रद्धा है सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जो माननीय उप प्रधानमंत्री जो है अपने कर्मचारियों से अपील किया कि जिस पद पर हम भर्ती हुए हैं उस पद की जो ड्यूटी है, अधिकार है, कर्तव्य है, सामाजिक जो कर्तव्य हैं, हम अगर सच्ची निष्ठा से उनका निर्वहन करेंगे तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके जो जन्मदिवस है उनके लिए सच्ची संवेदना होगी।